अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू द व्लॉग, वेलकम बैक टू द डे। उम्मीद है आप सब फिट फाट खैरियत से होंगे। तो बॉयज, वन की हो गया आपके भाई के। ओह माय गॉड, वाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो यार, लव यू हो गया बड़ा बड़ा। तो बॉयज, आज के व्लॉग का सीन ये है कि आप लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया हुआ था कि यार वो जो आपने लैम्बो कल्टस है नजम की, तो उसका रिव्यू आया बेसिकली। तो आप लोगों ने काफ़ी मुझे कहा था कि यार लैम्बो कल्टस का रिव्यू कराओ, तो हेयर इट इज, लैम्बो कल्टस फॉर यू। तो इसका आज हम करते हैं रिव्यू, ठीक है। आपको डिटेल से बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और गाड़ी किसकी है। ये देखो, इसकी गाड़ी है, ठीक है। और टोटली आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो चलें बगैर किसी देर के हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना चैनल भाई का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाना काट लिया उस्ताद जी ने, ठीक है। पाना फॉर यू। तो हम गाड़ी का आपको बगैर किसी देर के गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज, वैसे तो सारे शुरू करते हैं आगे से, लेकिन रियल मैन स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड। तो हम गाड़ी की बैक लुक पे आते हैं। सबसे पहले बैक लुक में आपको स्पॉयलर मिल जाता है, जो कि बेसिकली कस्टम मेड है। इट इज़ नॉट अ कल्टस स्पॉयलर, ठीक है। ये कल्टस को कस्टम मेड लगाया हुआ है। और सेकेंडली लाइट्स चेक आ रहे हो कि लाइट्स में अभी अभी हमने फ्रेश वो किया है, वो क्या कह सकते हैं यार, मॉडिफिकेशंस नहीं, एक वर्ड है यार, हाँ, नया पंगा पाया है, ठीक है। और पंगा माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा है। और नीचे जो बॉडी किट आप देख सकती हो, वैसे बेसिकली इस पर सिंपल बॉडी किट लगी हुई थी, ऊपर डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ठीक है। और भाई, हमने क्लेम नहीं किया कि वन एंड ओनली है, बेसिकली गाड़ी की लुक नो डाउट वन एंड ओनली है, लेकिन ये बच्चे क्लेम करते हैं कि वन एंड ओनली, फिर रंडीर होने शुरू हो जाते हैं, लोग कॉपी करते हैं, वो फिर मानते नहीं है कि हमने कॉपी किया है। हम लोग ये नहीं करते, ठीक है। देखो यार, ये गाड़ी की लुक है, किसी ने कॉपी करनी है करो, तुम्हें हमें से कोई नहीं कहेगा कि तुमने हमारी कॉपी की है, ठीक है। उल्टा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि आप हमसे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, ठीक है। बच्चे उन्हें डालते हैं कॉपी वाले, हम नहीं डालते। और बाकी बेसिकली गाड़ी के एग्जॉस्ट पे हैं, तो ये मीडियम साइज़ एच के एस जैजमा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। सेक्सी साउंड, इसका साउंड भी आपको सुनाता हूँ। तो टाइम है शरीको को आग लगाने की, आप गाड़ी का साउंड चेक करें। ये तो मुझे पता भी नहीं था, स्मोक किट भी है। खैर बॉयज, ये आज गलती से रिवील होगी उनसे। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल ना डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो हमने डेंगू से बचने के लिए स्मोक किट लगा लिए। चेक कर सकते हैं आप, ये मेरी गाड़ी में भी लगी हुई है, लेकिन मैंने कोई ना 6-7 महीने से चलाई नहीं है, लेकिन इस पर आप देख सकते हैं डेंगू का हमने हल कर लिया है। और अगर आपने अपने मोहल्ले के अंदर डेंगू स्प्रे कराना हो, डीएम कर सकते हैं मुझे, नजम को 1000 रुपये का मेक स्प्रे करके देते हैं। बॉयज चेक कर रहे हो, ये चेक करो, ये नाला सामने, तो इस स्प्रे से नाले के सारे मच्छर मार जाएंगे, ठीक है। बिग इन्वेस्टमेंट। क्या क्या हुआ गाड़ी को, दोबारा बताइए जरा। यार ये ना स्मोक किट होती है, रिंग पिस्टन नहीं उड़े, दरवाजा ही टूटे हुए हैं। ओए ये नहीं फाड़े, एनु फाड़ यार, तो दरवाजे टूटे हुए। क्या क्या चक्के एनु की होया, चक्के बाहर आए। बंदा लाख रुपया लगाए ऐ सुन ली, चक्के बाहर आए ने, दरवाजे टूटे ने, गड्डी धुआं मार दी पई। अभी तेरे लेटर नहीं देखी, देख लेटर जल के काली हो गई हैं, ये देख। हाँ, देखो।
पुत्र बन जा तू मैनू नहीं जानता मैं तेन पाड़ के दस देंगा तेन मैं पुत्र फना कर देंगा बंदे का पुत्र बन लैम्बो डोर्स तो आप लोग देख ही चुके हो, ठीक है, चेक करो लैम्बो डोर्स। असल में सीन पता क्या था, इसकी बंदी कह रही थी कि मुझे बारात चाहिए लैम्बोर्गिनी में, तो हमने कल्टस लैम्बो बना लिया, ठीक है, ये लैम्बो डोर्स है। बाकी रिम्स पे आते हैं तो रिम्स जो हैं ये हैं, तो बॉयज रिम्स पे आए तो रिम है वर्क्स का 7.25 जेजे इन 15 इंचेस और टायर प्रोफाइल है इस पे 14565। अब मैं तुम लोगों को 14565 की कहानी सुनाता हूँ। 145 का मतलब है टायर की जो चौड़ाई है ना, यानी कि ये विड्थ, ये 145 है, और 65 का मतलब ये है कि 65% इसकी वॉल है, ठीक है, और 15 रेडियल का टायर है 15 इंच का, और ये स्ट्रेट सेटअप है, अगला भी उतना ही है और पिछला भी उतना ही है। बाकी अब अजान हो रही है, अजान के बाद आपको इसका रिव्यू देते हैं। तो बॉयज़ अब गाड़ी की फ्रंट लुक पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले टीम स्टैटिक गैंग फॉर यू, यानी कि ये वेरीफाइड टीम स्टैटिक गैंग का मेंबर है, ठीक है। और गाड़ी की हेडलाइट्स पे आते हैं, हेडलाइट्स जो है इसमें बायज़ेरॉन प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, रिंग है, DRL है और 55 वोल्ट HID प्रोजेक्टर है, ठीक है। ये बेसिकली फ्लैशर है, यानी कि डिफरेंट कलर में फ्लैश करता है, लेकिन वो चलती गाड़ी पे होता है, मैं अभी करके नहीं दिखा रहा। दूसरा, गाड़ी के बम्पर पे आए तो बम्पर जो है ये जेन्युइन कल्टस का बम्पर नहीं है, ये GTI का बम्पर है, और बाय द वे इस तरह का बम्पर एक मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे DM कर देना, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी के लिए लगाया था, लेकिन अब मेरी गाड़ी पे जो लग रहा है ना, मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ये आगे गाड़ी की फ्रंट लुक, और लैम्बो डोर से तो आप वाकिफ़ ही हैं, ठीक है, और इस पर भी हम क्लेम मार सकते हैं, वन एंड ओनली कल्टस हैविंग लैम्बो डोर्स। करो कॉपी, मजाक करो यार, कॉपी करो, हमें खुशी होगी कि हमसे किसी ने कोई चीज़ सीख के लगा रहे हैं, ठीक है। और बाकी तुम लोगों को याद होगा जब मेरी गाड़ी का रिम लेने गए थे, तो हमने एक रिम के ऊपर जफ़ी डाली थी, याद है ना, वो इसके लिए रिम जो है वो पसंद किया हुआ है, बस जा के चुक रहा है किसी दिन। और इसकी लावा लाइट्स भी बन रही हैं, ठीक है, और अगली लाइटें भी चेंज हो जानी हैं, तो अभी तुम लोगों को मिल रहा है इसका सस्ता वाला रिव्यू, ठीक है। अभी जब ये चेंज हो जाएगी ना, फिर हम एक और रिव्यू मारेंगे, लेकिन वो पार्क व्हील्स पे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी गाड़ी, हाँ, अभी ये सिर्फ लास्ट आप गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो है गाड़ी पार्क व्हील्स पे आपको नजर आएगी इंशाल्लाह, फुल सेक्सी मॉडिफाई होके इसकी भी और मेरी भी। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। तो बॉयज़ अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो इस पे टकाटा का डीप डिश स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल्ड है विद टिल्ट किट, ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड टिल्ट किट। अब टिल्ट किट में क्या फर्क होता है सिंपल स्टीयरिंग में, टिल्ट किट में और रिलीज किट में, ठीक है, ये बेसिकली टिल्ट किट है। टिल्ट किट आप गाड़ी का स्टीयरिंग बना सकते हो और इसको ऐसे करके ट्रक का स्टीयरिंग बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना चलती गाड़ी पे, करना बहुत रिस्की है, ठीक है, पाड़ जाती है। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं, इस पर LCD जो है, सॉरी, एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है, म्यूगन गियर नॉब इंस्टॉल्ड है, और ये आप जो तीन देख रहे हो सबसे राइट वाली गेज है, ये जो है ये वोल्ट मीटर की गेज है, दरमियान वाला RPM गेज है, और लेफ्ट वाला जो है ये वाटर टेम्परेचर गेज। गाड़ी का साउंड आपको अंदर से चेक कराता हूँ, ए स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्टेड, और गाड़ी में एटमोस्फेरिक लाइट्स भी इंस्टॉल्ड हैं, और आप गाड़ी से निकलने का बहुत सेक्सी किस्म का ये चेक, इसको उठाया और टैन टैन लैम्बो किट्स। और अब हम चलते हैं गाड़ी के बाहर, और अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये बेसिकली बारह डबल लेवल आ रही थी, तो हमने गाड़ी में नियॉन लाइट्स लगाई हैं, चेक कर सकते हो आप, फुल मदनी त्यारा। ये बेसिकली नियॉन लाइट्स आपको नीचे दिखाता हूँ, ये RGB है, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। ब्लू जो है वो भी बंद किया हुआ है, अभी सिर्फ इसको रेड और ग्रीन पे इसको स्विच किया हुआ है। दीज आर कॉल्ड बेसिकली RGB लाइट्स, ठीक है, ये आप किसी भी गाड़ी पे लगवा सकते हो, ये यूनिवर्सल होता है, तो आप किसी भी गाड़ी पे लगवा सकते हो। अब हम फाइनल रिव्यू लेंगे उस्ताद जी से। हाँ जी उस्ताद जी, कहीं गड्डी लगी तू ना कर यार, एडा पैसा लाया सी, इतना पैसा लगा लिया उस्ताद, कह रहा कटारा, चल कोई नहीं, अल्लाह तेनू हिदायत दे। तू हलकदा बच्चा, तू तो यार ये था कल्टस का रिव्यू, ठीक है, और कल्टस है इस भाई की नजम, इसका इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी फॉलो मारें, ठीक है, तब तक और आपको बदमाश भी दिखा दूंगा, और ये हमारे बदमाश, ठीक है, ना बदमाश।
कहीं फटा फुटा हुए टेंशन लेनी भाई नहीं बुला भाई मोजर काट के भाई का मोजर अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ है वो देखो हाँ यार यू नो जॉसिन वाले रोक लेते हैं मोजर रखा हुआ गाड़ी में रखा नहीं हुआ मजाक करो तुम सीरियस ले लेना अच्छा ये था रिव्यू गाड़ी का कमेंट्स में बताओ गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर दें स्टार तू सब्सक्राइब किया है जी की चैनल का नाम है मेरे अभी आपके चैनल का नाम पूछ के बताऊं मैं फटे मुंह तेरा खैर सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर को फॉलो करें आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में और अब इंशाल्लाह व्लॉग थोड़े कंसिस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि यार यू नो 1K हो गए हैं तो मोटिवेशन आ गई आपके भाई को थोड़ी सी हम थोड़े से बिजी भी हो गए थे यार मैं पहले बिजी हो गया था यूनिवर्सिटी के चक्करों में लेकिन अब मैं फ्री हूँ तो अब ब्लॉग छुटते रहेंगे हम किसी न किसी गाड़ी के स्टॉक गाड़ियाँ चुके हैं अल्टो आ रही है ना इसको रोक इसका रिव्यू कर लेंगे ठीक है स्टॉक गाड़ियों का रिव्यू करते रहेंगे चांद फॉर यू ये चेक करो तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।